हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को देखिए, हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर 32 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ ली है 14 इंच। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। इस तरीके से हम आर्म होल की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। डीप नेक के अकॉर्डिंग 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई देंगे। मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक पार्ट है, और यहाँ पर हमें गले के लिए मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ रखनी है 2 इंच, गले की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच, तो और नीचे से नेक विड्थ ली है 3 इंच, ऊपर से नेक विड्थ ली है 2 इंच। तो गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं ये पॉट शेप, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉट शेप ड्रॉ कर लेना है और इसे कटिंग कर देना है। अगर आप थोड़ा ब्रॉड करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं आप इसे। और अब हम कर लेंगे इसे कटिंग, तो इस तरीके से अब हमें कटिंग कर लेनी है इसे। और इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। तो यहाँ पर देखिए, हमें लेना है पेपर पेस्टिंग, डबल फोल्ड करके रखा है, और बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है, पिन लगा लेनी है। इसके बाद हम इसे देखिए एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर देना है आपको इस तरीके से। कटिंग करने के बाद हम इसे अस्तर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, और उसके बाद आपको अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखकर पिन लगा लेनी है। अब सबसे पहले हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर गले के ऊपर इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। कच्चा कर लेना है आपको सारा ही यहाँ पर, देखिए इस तरीके से रफ स्टिच लगा सकते हैं आप बड़े टाके से। इसमें आपको देखिए हाथ से फिनिशिंग देते जाना है, ताकि अंदर इसके अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए, और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये तैयार हो जाए बैक पार्ट हमारा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आपको कटिंग कर देना है। इसके बाद हम साइड से भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब हमें ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग, और इसे मैं रफ स्टिच कर दूंगी यहाँ पर। सिलाई लगाकर मैंने इसे कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे साइड से। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने कटिंग कर दिया है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब इसे ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है, तो यहाँ पर दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से इसे बराबर करते हुए हमें पिन लगा लेनी है यहाँ पर। और अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। पूरे ही सर्कल यहाँ पर राउंड पे हमें सिलाई लगा देनी है शेप के अकॉर्डिंग। ये देखिए, मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है, और इसका बीच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके निकाल देंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है, पूरे ही गले के पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। पूरे ही पैटर्न पर हमें कट लगा देने हैं। अब एक सिलाई गला पट्टी को हम इस तरफ करते हुए गला पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से गला पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर कपड़ा कट किया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है। ये देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच है और इन्हें हमें ट्रायंगल्स में इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये देखिए पंखुड़ियाँ बना लेनी है इसकी छोटी छोटी इस तरीके से। पूरे ही पैटर्न को हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे और ये हमें काफ़ी ज़्यादा पैटर्न तैयार करने हैं। ये देखिए तो मैंने एक बार रेडी किया था, फिर भी ये थोड़ा कम पड़ा था नेक पर क्योंकि नेक डीप है, तो आप ये काफ़ी ज़्यादा ही तैयार कीजिएगा। तो ऊपर से आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी फिर इन्हें डिज़ाइंस को इस तरीके से पास पास में लगाते जाएं। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर गेप बिल्कुल भी नहीं दी है, बिल्कुल पास पास में ही इन्हें लगाया है इस तरीके से। अब हमें पूरे ही पैटर्न के ऊपर यहाँ पर इन्हें अटैच कर देना है इस तरीके से। ये देखिए गले के ऊपर मैंने लगा लिया है और यहाँ पर आप पतली कम ब्रॉड या ज़्यादा ब्रॉड जैसी भी आप लेस यहाँ पर अटैच करना चाहें तो इस तरीके से आप लेस को लगा सकते हैं। ये देखिए पूरे ही पैटर्न पर हम यहाँ पर इस तरीके से लेस को लगाकर अटैच करेंगे। तो देखिए लेस को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। गले की डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई। अगर आप चाहें तो इस पर छोटे छोटे मोती लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। सेंटर से इसे फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में हम प्लीट्स डाल देंगे। तो दोनों ही तरफ हमें इस तरीके से प्लीट्स लगा लेनी है और फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। कमर पट्टी 1.5 इंच की चौड़ाई में ली है और इसे एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरीके से। फोल्ड करने पर ये लगाने में आसानी रहती है इसे। अब हमें देखिए नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। एक सिलाई कमर पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। कमर पट्टी को अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर दिया है। ये देखिए तो ये डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।